स्टूडेंट गो में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज का टॉपिक। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं सीएस कोर्स के बारे में। सीएस कोर्स का फुल फॉर्म है कंपनी सेक्रेटरी। इस कोर्स की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये कोर्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और इसकी फ़ीस भी काफ़ी कम है। तो आइए जानते हैं इस कोर्स के बारे में। कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स ICSI द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। कंपनी सेक्रेटरी के रूप में करियर आपको बहुत ही अच्छा जॉब सेटिस्फेक्शन देगा, पैसे भी अच्छे कमा सकते हैं आप इसमें। CA काफ़ी फेमस कोर्स है, पर CS के बारे में ज़्यादा स्टूडेंट को पता नहीं होता है, तो CS को लेकर बहुत से स्टूडेंट कन्फ्यूज़ रहते हैं। वो सोचते हैं कि CS जो कंपनी सेक्रेटरी कोर्स है वो CA के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कंपनी सेक्रेटरी कोर्स के बारे में। CS कोर्स भारत में ICSI द्वारा करवाया जाता है, जो कि सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्स है, और जो भी स्टूडेंट ट्यूशन करना चाहता है वो अपनी पसंदीदा कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग प्राप्त कर सकता है। CS एग्ज़ाम साल में 2 ही बार होते हैं और कोई भी स्टूडेंट या तो 12th के बाद या फिर ग्रेजुएशन के बाद CS ज्वाइन कर सकता है। इसके लिए आपको खुद ही पढ़ाई करनी पड़ती है, जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, ये सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्स है। और अगर आप चाहें तो किसी भी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट से कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कंपनी सेक्रेटरी का काम क्या क्या होता है। कंपनी सेक्रेटरी निजी क्षेत्र की कंपनियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थान का एक उच्च पद है। इसका सबसे पहला काम होता है, एक कंपनी सेक्रेटरी कंपनी की कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियों को संभालने का काम करता है। एक कंपनी सेक्रेटरी को कैपिटल मार्केट, कॉरपोरेट लॉ, सुरक्षा कानून और कॉरपोरेट गवर्नेंस की भी जानकारी होती है, इसलिए कंपनी के कानूनी फैसले में भी उसका दखलंदाज होता है। यानी कि कंपनी के जितने भी कानूनी फैसले होते हैं वो CS ही लेते हैं। CS कंपनी के डायरेक्टर और चेयरमैन को सभी जरूरी सूचना देते हैं और उन्हें उनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी ध्यान दिलाते हैं, ताकि कंपनी का जो माहौल है वो अच्छा बना रहे और कंपनी आगे की ओर बढ़ती जाए। वो कंपनी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस, शेयरधारकों, सरकार और भी जो अलग अलग एजेंसियां होती है, तो एजेंसियों के बीच तालमेल बना के रखने का काम करता है। इसके अलावा और भी कई काम हैं CS के। CS को मैनेजमेंट और फाइनेंस में भी महारत हासिल होती है, इसलिए वो कॉरपोरेट प्लानर और रणनीति मैनेजर के रूप में भी कार्य करते हैं। देखा जाए तो जो CS की जिम्मेदारी है वो कानून का पालन करते हुए कंपनी को कुशलतापूर्वक चलाने और आगे बढ़ाने की होती है, यानी कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी CS की ही होती है। आगे बात करते हैं इस कोर्स की जानकारी के बारे में। तो जो CS कोर्स है ये 3 चरणों में डिवाइड है, यानी कि इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है फाउंडेशन एग्जामिनेशन, दूसरा स्टेप होता है एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन, और जो थर्ड और लास्ट स्टेप है ये है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन। पहले स्टेप में आपके 4 पेपर होते हैं, दूसरे स्टेप में आपके 7 पेपर होते हैं, और जो तीसरा और लास्ट स्टेप है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन, इसमें आपके टोटल 9 पेपर होते हैं। आप इसके लिए CS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट 12th के बाद CS कोर्स शुरू करना चाहते हैं तो उसे इन 3 एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। और जो लोग ग्रेजुएशन के बाद CS कोर्स ज्वाइन करते हैं उन्हें फाउंडेशन एग्ज़ाम्स देने की ज़रूरत नहीं होती। यानी कि जो पहला एग्ज़ाम है जिसमें 4 पेपर होंगे आपको, वो एग्ज़ाम आपको नहीं देना होगा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CS कोर्स करते हैं तो। और अगर आप 12th के बाद ही CS कोर्स कर रहे हैं तब आपको फाउंडेशन एग्ज़ाम देने की ज़रूरत है, अन्यथा आप सीधा ही एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम से शुरू कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ पर हम जानेंगे कि CS के लिए हम किस तरीके से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और इसके एग्ज़ाम की डेट क्या है। जो CS का कोर्स है इसका रजिस्ट्रेशन आप कभी भी करवा सकते हैं। ये प्रक्रिया पूर्ण रूप से ऑनलाइन है, यानी कि पूरी तरह से ऑनलाइन है। आप जब चाहे तब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं उसके बाद जो आपको स्टडी मटेरियल है वो डाक सेवा के द्वारा प्राप्त हो जाता है। CS एग्ज़ाम में सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है और उसके बाद ही आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल होते हैं। CS एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया। और 2 बार ये कौन कौन से महीने में होता है, तो पहला एग्ज़ाम होता है जून के महीने में और दूसरी बार ये होता है दिसंबर के महीने में। तो आप दोनों में से किसी महीने में भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फाउंडेशन कोर्स का जो एग्ज़ाम है ये कब होता है। तो अगर आपको फाउंडेशन कोर्स के दिसंबर में जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें अपीयर होना है तो आपको 31 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा।
तभी आप दिसंबर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको जून के एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो आपको उससे पिछले साल के 30 सितंबर तक लास्ट रजिस्ट्रेशन आपको करवा ही लेना है। 30 सितंबर लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की। जब आप 30 सितंबर तक CS कोर्स के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आपका एग्ज़ाम होगा अगले साल जून के महीने में। और जब आप 31 मार्च तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं CS का तब आपका एग्ज़ाम होगा दिसंबर के महीने में, यानी कि उसी साल के अंत में। और अगर बात करें एग्जीक्यूटिव कोर्स और प्रोफेशनल कोर्स की, तो दिसंबर एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए आपको 28 फरवरी तक, यानी कि 28 फरवरी लास्ट डेट है आपके रजिस्ट्रेशन की। अगर आप 28 फरवरी तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तब आपका जो एग्जीक्यूटिव कोर्स है या फिर प्रोफेशनल कोर्स है इसका एग्ज़ाम आपका दिसंबर में हो जाएगा। लेकिन अगर आप 31 अगस्त तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं फिर आप जून के एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। आगे हम बात करते हैं CS एग्ज़ाम की फ़ीस कितनी होती है, इसका जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो क्या है। CS के 3 लेवल है, उसके हिसाब से ही अलग अलग फ़ीस है। तो फाउंडेशन जो प्रोग्राम है इसकी फ़ीस है 4500 रुपये, यानी कि 4500। और जो दूसरा आता है एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, इसमें आपका फ़ीस अलग अलग तरीके से है। अगर आप कॉमर्स के हैं तो आपका फ़ीस अलग होगा, अगर आप नॉन कॉमर्स हैं तो आपका फ़ीस अलग होगा। इस तरीके से इसमें फ़ीस अलग अलग तरीके से है। तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम की जो फ़ीस है वो है 9000, और फिर है 10000 और 8500। 9000 है कॉमर्स ग्रेजुएट के लिए और 10000 है नॉन कॉमर्स वालों के लिए। और जो 8500 है यानी कि 8500 वो CS फाउंडेशन पास्ट स्टूडेंट्स के लिए है। और अगर जो तीसरा स्टेप है उसकी बात करें तो तीसरे स्टेप की फ़ीस है 12000 यानी कि 12000। जो प्रोफेशनल प्रोग्राम है इसका फ़ीस स्ट्रक्चर है 12000। इसके बाद आगे हम जानते हैं CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि CS एग्जीक्यूटिव में दो मॉडल्स होते हैं, मॉडल 1 और मॉडल 2। जिन्होंने मई तक इसके लिए रजिस्ट्रेशन किया है वो उस साल दिसंबर में किसी एक मॉडल का एग्ज़ाम दे सकते हैं, और जिन्होंने नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया है वो उसके अगले साल जून में किसी एक मॉडल का एग्ज़ाम दे सकते हैं। और इसके लिए आपको कंप्यूटर ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। आगे हम बात करते हैं CS प्रोफेशनल की, तो इसमें 2 की जगह 3 मॉडल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया CS एग्जीक्यूटिव में 2 मॉडल होते हैं लेकिन CS प्रोफेशनल में 3 मॉडल होते हैं। CS एग्जीक्यूटिव एग्ज़ाम पास होने के पूरे 9 महीने बाद ही आप CS प्रोफेशनल के लिए एडमिशन ले सकते हैं। आगे हम जानते हैं इस एग्ज़ाम के डिटेल के बारे में, यानी कि परीक्षा की जानकारी। तो परीक्षा की जानकारी अलग अलग तरीके से, सबसे पहले हम जानते हैं मीडियम ऑफ एग्ज़ाम, एग्ज़ाम का मीडियम क्या होगा। जो CS एग्ज़ाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी भी भाषा में दिया जा सकता है। अगर आप हिंदी में देना चाहें तो आप हिंदी में दे सकते हैं, और अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहें तो इंग्लिश में इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। दूसरा पॉइंट है इंस्टीट्यूट से स्टडी मटेरियल केवल इंग्लिश में ही आता है, और हिंदी माध्यम के जो छात्र हैं उन्हें प्राइवेट हिंदी बुक से पढ़ाई करनी पड़ती है। जो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा वो ओनली इंग्लिश में मिलेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप CS का एग्ज़ाम हिंदी में दें तब आपको प्राइवेट हिंदी बुक से पढ़ाई करनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं एग्ज़ाम के क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो CS एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपके पास हर सब्जेक्ट में कम से कम 40% मार्क्स और पूरे ग्रुप में कम से कम 50% मार्क्स लाने ज़रूरी है। और दूसरा पॉइंट है अगर स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स ले आता है तो उस विषय को वो क्लियर कर लेता है, लेकिन कम से कम उसे 25% लाना ज़रूरी है। और इसके बाद अगर हम बात करें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की, तो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम या फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम क्लियर करने के बाद स्टूडेंट को 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग यानी कि इंटर्नशिप करनी होती है। ये ट्रेनिंग किसी कंपनी या किसी प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के अंडर की जाती है। आगे हम बात करते हैं CS यानी कि कंपनी सेक्रेटरी के बारे में, कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है। CS कंपनी का सेक्रेटरी होता है जो कि कंपनी की सभी जिम्मेदारियों को संभालता है और देखता है कि कानून के नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, कंपनी का विकास हो रहा है या नहीं। कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS उन हाउस लॉयर्स की तरह होते हैं जो किसी संगठन में कॉरपोरेट डिपार्टमेंट की हर गतिविधियों यानी काम करने के तरीके पर ध्यान रखता है, देखरेख करता है। जैसे लॉ, मैनेजमेंट, फाइनेंस आदि की जानकारी का होना ज़रूरी होता है, उसका काम ही यही होता है। आगे हम बात करते हैं कि अगर हम 12th के बाद CS कोर्स करना चाहते हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर आप 12th के बाद CS कोर्स करना चाहते हैं तो आपको तीनों ही स्टेज पास करने होंगे। सबसे पहला स्टेज यानी कि फाउंडेशन प्रोग्राम,
दूसरा स्टेज एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और तीसरा स्टेज प्रोफेशनल प्रोग्राम, तीनों ही आपको पास करना ज़रूरी है। उसके बाद 15 महीने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट आपको उन कंपनीज में से किसी एक को चुनने को कहेगी जो आपके पास लिस्टेड है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CS कोर्स करते हो फिर आपको फाउंडेशन कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद CS कोर्स करते हो तब आपको फाउंडेशन प्रोग्राम जो एग्ज़ाम है इसे क्लियर करने की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट आपको एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम से स्टार्ट करना होता है और उसके बाद फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम और उसके बाद आपकी ट्रेनिंग। तो इस तरीके से आप ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हैं CS और 12th के बाद भी कर सकते हैं CS। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के पास होने के बाद और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को ICSI के एसोसिएट मेंबर के रूप में एडमिट किया जाएगा, जिसके बाद स्टूडेंट अपने नाम के पहले ACS यानी कि एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी लगा सकते हैं। यानी कि प्रोफेशनल एग्ज़ाम को जब आप पास कर लेते हैं आपकी ट्रेनिंग भी क्लियर हो जाती है, फिर आप अपने नाम के आगे ACS लगा सकते हैं। ACS की फुल फॉर्म है एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी। एग्ज़ाम साल में दो बार रखते हैं, जून में और दिसंबर में, ये आपको पता ही है। CS फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन पूरे साल ओपन रहता है, आप किसी भी महीने में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जिन्होंने मार्च तक एडमिशन लिया है वो फाउंडेशन का एग्ज़ाम दिसंबर में उसी साल तक दे सकते हैं और जिन्होंने सितंबर तक एडमिशन लिया है वो अगले साल जून तक एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये है इसका एग्ज़ाम का प्रोसेस और इस तरीके से आप कर सकते हैं 12th के बाद CS कोर्स। आगे हम बात करते हैं CS की सैलरी, CS का वेतन क्या होता है। तो कंपनी सेक्रेटरी का काम बड़े ही जिम्मेदारियों वाला होता है, जैसा कि हमने पहले ही जान लिया। वो किसी भी कंपनी का एक प्रमुख अंग माना जाता है, यानी कि जो मेन पार्ट है वो कंपनी का सेक्रेटरी ही होता है, इसलिए उसकी सैलरी भी उसके अनुसार ही होती है। सरकारी और प्राइवेट कंपनियों में शुरुआत में कंपनी सेक्रेटरी का वेतन 2 लाख से 3 लाख के आसपास होती है और अगर बात करें मल्टीनेशनल कंपनी की तो ये पैकेज 5 से 6 लाख तक का होता है। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है कंपनी सेक्रेटरी की सैलरी भी वैसे वैसे बढ़ाई जाती है। इसमें एक्सपीरियंस के बाद सैलरी आपकी 14 से 20 लाख सालाना तक जा सकती है। इसके अलावा कंपनी सेक्रेटरी बतौर सलाहकार भी प्रैक्टिस कर सकते हैं जिसमें काफ़ी अच्छी कमाई हो सकती है। इसमें हर एक हायरिंग पर 20 से 24 हज़ार से लेकर के 70 से 74 हज़ार रुपये तक मिल सकते हैं। तो ये है एक कंपनी के सेक्रेटरी का वेतन। इनका काम भी बड़ी जिम्मेदारियों वाला होता है इसलिए इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। तो अगर आप इस कोर्स को कर लेते हैं तो इसमें आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा बन सकता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आगे आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलते रहेंगे और आप हमारी सभी वीडियोस देख पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।